नमस्कार दोस्तों, सी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ पार्ट 7। इसके पहले 6 पार्ट हमने हस्तलिखित नोट्स की सहायता से आपको प्रोवाइड करा दिया है। आज पार्ट 7 है दोस्तों, आज आप इसको देखिए विधिवत, शुरू से अंत तक देखते रहिए, ठीक है। ये प्रारंभिक तौर पर बोर्ड के माध्यम से मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। कुछ दिन बाद नई बोर्ड में अच्छी वीडियो आपके पास आने लगेगी, लेकिन ये पुरानी बोर्ड है इसलिए थोड़ा सा जो वीडियो की क्वालिटी होगी थोड़ी निम्न होगी, लेकिन आपको पढ़ने से मतलब। चलिए दोस्तों आज पार्ट 7 में हम देखेंगे दो अंकों की गुणा, ठीक है। दो अंकों की गुणा देखेंगे दोस्तों कि गुणा कैसे करनी है। तीन अंकों की गुणा देखनी है हमको, तीन अंकों की गुणा देखनी है और चार अंकों की गुणा देखनी है। आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, दो अंकों की गुणा, तीन अंकों की गुणा और चार अंकों की गुणा देखनी है हमको, ठीक है। उर्ध तिर्यक विधि जिसे बोला जाता है दोस्तों, उर्ध तिर्यक विधि। चलिए देखते हैं सबसे पहले दो अंकों की। आप सिस्टम से समझेंगे, कम से कम 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा दोस्तों, इसलिए आपको सिस्टम से समझना है। चलिए सबसे पहले दो अंकों की देख लेते हैं। जैसे अपन एक सिंपल सा लेते हैं, जैसे आप लेते हैं 12, तो 12 गुणे 12 करना है दोस्तों। देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे वर्ग भी निकालना है तो उर्ध तिर्यक विधि से, तो आपको पहले सिंपली क्या करना है, इकाई इकाई अंक का गुणा करना है, दो दूनी चार, और ये आपने लिख दिया चार। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, तिर्यक मेथड, कहने का मतलब इसका इससे और इसका इससे, तो दो एक कम दो, दो एक कम दो और दो एक कम दो, कितना हो गया चार, तो दोनों को जोड़कर यहाँ लिख देना है। इसके बाद दोस्तों बचा कितना, एक, तो एक गुणे एक, और इसके बाद दोनों को गुणा करके लिख देना है 144। तो आपको पता होगा कि 12 का वर्ग भी होता है 144 और उर्ध तिर्यक विधि से भी हल करने पर 144 आ जाता है, ठीक है। ये सिंपली हो गई दो अंक की। मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा हम ले लेते हैं, जैसे आपको ले लेते हैं 56, पूरे 56। अब देखिए आपको क्या करना है, सीधे डायरेक्ट करना है आपको, कैसे, छछायंक 36 के 6 हासिल 3 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 6 का गुणा 5 से, 5 का गुणा 6 से, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 दोनों को ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और 60 3 63 की 3 हासिल 6 हो जाएगा, 5 25 और 25 6 31 हो जाएगा। इस तरह से इसका दोस्तों क्या हो गया, गुणा हो गया। तो देख पा रहे हैं आप दो अंकों की गुणा कितना इजी है, ठीक है। एक और एकाध एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों। जैसे आपको क्या करना है, मान लेते हैं 91 का मल्टीप्लाई करना है 91 से। अब क्या करेंगे, एक एक कम एक, कोई यहाँ पर कैरी नहीं है, कोई हासिल नहीं है, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 और 9 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 की 8 हासिल आ जाएगा कितना 1 और 9 9 81, 81 एक 82, यही इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। देखिए सिंपल तरीके से आपको सब कुछ सीखना है, ठीक है। ये दो अंकों की गुणा है, दो अंकों की गुणा में आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, तो लाइक करिए और हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। तो आपको दो अंकों की समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। यदि नहीं आएगी तो आप फिर कमेंट के माध्यम से करिए, तो अगले वीडियो में मैं और ढेर सारा एग्जांपल आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम तीन अंकों की गुणा, ठीक है। तीन अंकों की गुणा देखना है हमको और वही उर्ध तिर्यक मेथड अपनानी है दोस्तों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं तीन अंकों की गुणा। जैसे ले लेते हैं हम कोई भी अंक, मान लेते हैं 321, ठीक है, 321 ले लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, तो हम तीन अंकों की देखेंगे। जैसे हमने बोल रहे थे 321 लिया, और इसके नीचे कोई जरूरी नहीं कि 321 का ही गुणा करना है, कुछ भी ले लें दोस्तों। हमने ले लिया 122। अब आपको क्या करना है, गुणा करना है। उर्ध तिर्यक मेथड है, इससे आप वर्ग भी आसानी से निकाल सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं। यदि वर्ग करने की एक ट्रिक और अलग से है तो उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ बात किसकी कर रहा हूँ, गुणा करने की। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको इकाई अंक लेना है, गुणा कर दें, दो एक कम दो हो जाएगा, दो कर दिया आपने, कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद इसको छोड़कर ये दोनों, मतलब दो और दो का गुणा करेंगे और एक और दो का गुणा करेंगे। लेकिन समझना है दोस्तों, पहले हमने एक स्टेप के बाद दो अंक ले लिया हमने, अब इनके बीच तिर्यक मेथड लगा दीजिए, दो दूनी चार, दो दूनी चार और दो एक कम दो, और दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 6। यहां तक आपको समझ में आया। इसके बाद दोस्तों तीसरा स्टेप कितना होगा, यहाँ पर 122। अब क्या करना है, किसका इससे, इसका इससे और बीच वाला का 20 से, तो दो तिया 6, दो दूनी चार
और एक एक कम एक, इस तरह से ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 10 1 11 की एक हासिल एक अप, यहाँ पर हासिल आ रहा दोस्तों, तो आपको हासिल रखना है। इसके बाद दोस्तों पुनः अगले दो स्टेप का लेंगे, कहने का मतलब नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, तो 3 2 1 2 इसके बाद 3 9 छः और 2 1 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 2 8 9 हो जाएगा, और इसके बाद अंतिम अंक 3 1 3 हो जाएगा, यही इसका गुणा हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आप बस समझते चलिए, अगला मैं लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करिएगा दोस्तों, ठीक है, यदि नहीं आए तो कोई बात नहीं है, बस आप बने रहिए, एक ना एक दिन समझ में आने लगेगा। गणित बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, कोई जरूरी नहीं कि अभी हाई लेवल का मैं पढ़ा दूं, क्रम से धीरे धीरे पूरी मैथ्स कवर करूंगा, लेकिन थोड़ा भी बेसिक है। चलिए अगला देखते हैं, 352 × 155 इसका आपको निकालना है। देखिए चाहूं तो मैं एक लाइन में कर दूं, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो 2 का गुणा किससे करना है, 5 से 5 2 10 10 की शून्य हासिल एक आ रहा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला, दो स्टेप लेना है, कितना हो जाएगा, 5 25 5 25 और 5 2 10 35 हो गया, 35 1 31 की एक हासिल कितना हो जाएगा, 3। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, 3 स्टेप लेना है, 3 5 2 1 5 5 क्या करना है, तिरियक और सामने 5 3 15 ठीक है, 5 25 और 2 1 2 इनको जोड़ना है दोस्तों, 25 और 15 40 40 2 42 और हासिल 3 था ना दोस्तों, तो 45 की 5 हासिल कितना हो गया, 4 हो गया। इसके बाद दो स्टेप लेना है आपको, कौन कौन सा, 3 5 1 5 तिरियक करना है, 5 3 15 और 5 1 5 20 हो गया, 20 4 24 की 4 हासिल कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। इसके बाद 3 1 3 और 3 2 कितना हो गया, 5, यही इसका मल्टीप्लाई हो गया। कहने का मतलब इसका हमने गुणा किया, 3 अंकों की गुणा थी दोस्तों, बस आपको इतिमिधान से समझना है, बाकी समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है, 3 अंकों की गुणा है। इसी प्रकार से हम 4 अंकों की भी गुणा लेंगे, तो 4 अंकों की गुणा एक ही लाइन में करना है, जैसे हमने एक लाइन पे कर दिया। इतनी लंबी प्रोसेस क्यों लग रही है, क्योंकि अभी हम कैलकुलेशन लंबे तरीके से कर रहे हैं, अब हम शॉर्ट तरीके से करेंगे कैलकुलेशन, देखते रहिएगा। एक सौ बारह बुढ़े 133, चलिए सिंपल है, बहुत इजी है, एक लाइन में करते हैं अपन, 3 2 6 कोई कैरी नहीं, कोई हासिल नहीं, 3 1 3 3 2 6 6 3 9 हो जाएगा। अब क्या करना है, तीनों को लेकर चलना है, 3 1 3 2 1 2 5 और 3 1 3 5 3 8 हो जाएगा। इसके बाद 3 1 3 1 1 3 1 4 हो जाएगा और 1 1 1, ये हो गया आंसर। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, मोबाइल में भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, आंसर यही आएगा। ठीक है, अब जैसे किसी ने कहा कि हमको 148 का वर्ग चाहिए, तो 148 सीधा किया हमने और गुणा करना शुरू कर दिया, 8 2 64 की 4 हासिल 6, ठीक है, 8 4 32 दूनी कितना हो जाएगा 64 और 64 6 कितना हो जाएगा 70 की शून्य हासिल 7। ठीक है, इसके बाद 8 1 8 और 8 1 8 16 हो जाएगा और 4 4 को 16 16 16 32 और 32 और 7 कितना हो जाएगा 39 की 9 हासिल 3 और 1 1 4 1 4 को 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 8 और 3 11 हो जाएगा कि 1 हासिल 1 और 1 1 1 1 2 ये हो गया दोस्तों किसका, 148 का वर्ग। 148 का वर्ग भी कह सकते हैं, यही आएगा कितना 21904। ठीक है, यही चीज होता है दोस्तों उर्ध्वतिर्यक विधि। ठीक है, ये मेथड ही है उर्ध्वतिर्यक विधि, आप इसको अच्छे से समझ लें। यदि समझ में नहीं आ रहा हो दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। ये बेसिक मैथ चल रहा है दोस्तों, इसके पहले हमने वर्ग निकालना सिखाया था। ठीक है, कि वर्ग कैसे निकालेंगे, उर्ध्वतिर्यक मेथड से वर्ग निकालना सीख लिया था आप लोगों ने। ठीक है।